तो आज हम लेक्चर नंबर 23 अटेंड करने वाले हैं, जिसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल रिटेन है, जो मैंने एक डिव एलिमेंट राइट किया हूँ और उसमें एक आईडी एट्रीब्यूट को राइट किया और उसका वैल्यू मैंने 1 राइट कर दिया। यहाँ पे आईडी सिलेक्टर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, इसका विड्थ इनहाइन 300 पिक्सल राइट कर दिया हूँ और बैकग्राउंड कलर ब्लैक राइट कर दिया हूँ और डिस्प्ले में नॉन राइट कर दिया हूँ। और यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मैंने नॉन वैल्यू पास कर दिया इसलिए। तो इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में अच्छे से समझेंगे, वहीं पे जानेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी रिटेन है और उसका वैल्यू रिटेन है, जिसमें है नॉन, इनलाइन, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। तो इन सारे को हम अब प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करेंगे। तो सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेना और उसमें एचटीएमएल का सारा डॉक्यूमेंट राइट कर लेना। और देखिए मैंने टाइटल में डिस्प्ले प्रॉपर्टी राइट कर दिया हूँ और यहाँ पे मैंने डिव एलिमेंट में और पी एलिमेंट में कुछ कंटेंट राइट कर दिया हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ और देखिए मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे रिफ्रेश करा था यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, चार कंटेनर है और उसमें मैंने ओपेसिटी पास कर दिया हूँ और यहाँ पे हेडर एलिमेंट में मैंने ए टेक्स को राइट कर दिया हूँ और पी एलिमेंट में इस टेक्स को राइट कर दिया हूँ। तो चलिए अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करके समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे डिव एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ एलिमेंट सिलेक्टर से और उस सारे में मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पास कर दिया हूँ और पेडिंग 10 पिक्सल पास कर दिया हूँ और फर्स्ट वाले डिव, सेकेंड वाले डिव और थर्ड वाले डिव में मैंने ओपेसिटी पास कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे में ओपेसिटी है, फर्स्ट वाले, सेकेंड में, थर्ड में और लास्ट वाले में डिफॉल्ट कलर है। तो मैं लास्ट वाले को हाइड करना चाहता हूँ। तो हाइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इस पे आईडी सिलेक्टर से सिलेक्ट करूंगा, 1 में यहाँ पे राइट करता हूँ, फिर मैं यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी राइट करूंगा और उसका वैल्यू मैंने नॉन राइट करता हूँ। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो लास्ट वाले बॉक्स क्या हुआ, हाइड हो चुका है। तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का नॉन वैल्यू से क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट को हाइड करना होगा तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का नॉन वैल्यू राइट करेंगे। उसके बाद है इनलाइन। तो देखिए जितने भी डिव एलिमेंट है वो लाइन ब्रेक करके आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट वाले डिव एलिमेंट है उसके बाद से आ रहे सेकेंड वाले और सेकेंड वाले के बाद से आ रहे थर्ड वाले, तो इस तरह से आ रहा है। तो अभी क्या है, ये सारा का सारा ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो फर्स्ट वाले पैराग्राफ है उसे लाइन ब्रेक करके आता है, जैसे पी एलिमेंट हो गया, हेडर एलिमेंट हो गया, डिव एलिमेंट हो गया, ये सब होता है ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट का काम यही है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको राइट करके दिखाता हूँ, कोड शिक्षा मैंने राइट करा, इसे मैं कॉपी करके और 2-4 राइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पी एलिमेंट मैंने 4 राइट कर दिया हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे रिफ्रेश मैंने करा तो ये क्या हुआ, सब एक एक लाइन ब्रेक करके आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। जैसे H1 एलिमेंट है वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, मैं यहाँ से H1 राइट करता हूँ, यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सारा का सारा एक लाइन ब्रेक करके आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तब देखिए जो डिव एलिमेंट है उसको हम इनलाइन में करेंगे और जो भी पी एलिमेंट है उसे हम इनलाइन में करते हैं। इनलाइन एलिमेंट उसे बोला जाता है कि एक ही लाइन में सारा होता है, जैसे कि कोर्स शिक्षा यहाँ पे है और जो ये सेकंड वाले कोर्स शिक्षा है वो इसके बाद से आएगा, थर्ड वाले कोर्स शिक्षा है वो इसके बाद से आएगा, तो इसे बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से हम जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसे इनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जो इनलाइन एलिमेंट है उसे हम ब्लॉक लेवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं सारे H1 को सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ से देखिए मैं H1 को सिलेक्ट कर लिया हूँ और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू इनलाइन राइट कर दिया हूँ। यहाँ से देखिए अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो क्या हुआ, पहले जितने भी कोर्स शिक्षा टेक्स रिटेन था वो क्या हुआ था, एक लाइन ब्रेक करके आ रहा था, जैसे यहाँ पे देखिए पी एलिमेंट में रिटेन है इसी तरह से वो ब्रेक होकर आ रहा था। पर जैसे मैंने H1 एलिमेंट में मैंने इनलाइन लगाया तो क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गया, एक के बाद से एक ही लाइन में आ गया। तो इसी तरह से हमें कोई भी एलिमेंट को इनलाइन में दिखाना हो, यानी कि एक ही लाइन में दिखाना हो, तो हम उसमें इनलाइन पास करेंगे। इसके बाद जानते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का ब्लॉक वैल्यू के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ से इनलाइन एलिमेंट को राइट कर लूंगा, जैसे कि स्पैन, एंकर, टेक सब इन लाइन में आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेन राइट किया और इसे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ से मैंने स्पेन एलिमेंट में कुछ टेक्स राइट कर दिया, यहाँ से सेव करता हूँ और देखिए रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो जितने भी स्पेन एलिमेंट में रिटेन है टेक्स वो क्या हो रहा है, इन लाइन में आ रहा है, यानी कि वो एक ही लाइन में आ रहा है, वो ब्रेक होके नहीं आ रहा है, जैसे नीचे वाले देखिए वो ब्रेक होके आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट में रिटेन है इसलिए, और ये स्पेन एलिमेंट है वो इन लाइन एलिमेंट है, इसलिए उसमें जो भी टेक्स रिटेन है वो एक ही लाइन में आ रहा है। तो जो भी टेक्स और जो भी एलिमेंट इन लाइन में है तो उसे हमें ब्लॉक में लाने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्टर लेता हूँ स्पेन को और डिस्प्ले में हम ब्लॉक राइट करूंगा। तो जो भी इनलाइन एलिमेंट को हमें ब्लॉक में कन्वर्ट करना हो तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लॉक राइट करना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया और देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ क्या होगा। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो क्या हुआ, जितने भी स्पेन एलिमेंट में टेक्स्ट रिटेन है वो एक लाइन ब्रेक होकर आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद से आ रहा है, सेकेंड लाइन है उसके बाद से आ रहा है, थर्ड लाइन है उसके बाद से आ रहा है, सब ब्रेक होकर आ रहा है, एक ही लाइन में नहीं, तो ये अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है।
है, इससे पहले इनलाइन में था, तो इसी तरह से हम कन्वर्ट कर पाएंगे ब्लॉक लेवल को इनलाइन में, इनलाइन को ब्लॉक लेवल में। अब देखिएगा इसमें विड्थ हाइट सब हम लागू कर पाएंगे, जैसे कि देखिए 200 पिक्सल में राइट करता हूँ, इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड राइट करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, तो देखिए इसका विड्थ हाइट इसमें लागू हो रहा है, उस अनुसार से चेंजेस हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं 500 राइट करता हूँ, यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसका विड्थ 500 हो गया। जैसे यहाँ से मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को रिमूव करूंगा, यहाँ से सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये एक ही लाइन में आ चुका है, पर इसमें विड्थ वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए इसमें विड्थ वर्क नहीं करता है। तो आप ये ध्यान कर लीजिएगा, जो इनलाइन एलिमेंट होता है उसमें विड्थ वर्क नहीं करता, ब्लॉक लेवल में ही सिर्फ वर्क करता है। यहाँ पे मैं फिर से सेम कर दूंगा, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब इसका विड्थ काम कर रहा है, तो इसी तरह से हम वर्क कर पाएंगे। अब लास्ट में जानते हैं इनलाइन ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक को हम क्यों यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इनलाइन एलिमेंट था, तो उसे हमें ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करना था, तो हमें क्या करना होगा, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू हम ब्लॉक राइट किया, यहाँ पे ब्लॉक में आ चुका है, यानी कि एक एक लाइन ब्रेक होकर आ रहा है। और हमें क्या करना है कि इसको ब्लॉक लेवल बनाना है इस एलिमेंट को, और इसे इन लाइन में ही रखना है, यानी कि इसके बाद से रखना है। जैसे कि इसका विड्थ हाइट मैंने दिया, तो इसके बाद से ही विड्थ भी वर्क करेगा, और इसके बाद से ही आएगा, जितना मैं विड्थ दिया रहूंगा उसके बाद से वो आएगा, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है। जैसे देखिए अभी ब्लॉक में है, इसे मैं इन लाइन पास करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, तो क्या हुआ कि इसका जो भी मैंने विड्थ पास किया वो विड्थ वर्क कर रहा है, और जो भी कंटेंट है वो इनलाइन में आ चुका है। तो देखिए फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले, उसके बाद से विड्थ तो बाकी नहीं है, तो वो नीचे से आ गया, और जितने भी अभी राइट करूंगा इसमें तो उसके नीचे से आएगा। और जैसे यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, तो देखिए एक ही लाइन में कंजेस्टेड होके आ रहा है, यानी कि इसमें जो विड्थ है वो भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने रिमूव कर दिया, तो अभी ये इनलाइन एलिमेंट है और उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें विड्थ हाइट कुछ भी वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाता हूँ, जिसमें विड्थ काम करेगा, जितना भी मैंने विड्थ दिया तो यहाँ पे वर्क कर रहा है। जैसे मैं इसको 300 कर देता हूँ, और यहाँ से सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज कर पाएंगे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसमें से फर्स्ट था नॉन। तो नॉन का काम क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी एलिमेंट दिख रहा है तो उसे हाइड करना हो, तो हम नॉन वैल्यू पास करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, और जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो तो वो एक लाइन ब्रेक करके आता है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक करके आ रहा है, तो इसे हमें इन लाइन में करना हो, तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इन लाइन वैल्यू पास करेंगे, और जो भी एक के बाद एक से आ रहा है एलिमेंट उसे हमें ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक एलिमेंट के बाद से कन्वर्ट करना है, तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लॉक पास करेंगे, और जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है यानी कि एक लाइन ब्रेक होके आ रहा है तो उसे हमें इन लाइन में भी करना है और ब्लॉक लेवल में भी करना है, यानी कि इन लाइन में वो आएगा और ब्लॉक होके आएगा, उसमें विड्थ हाइट जो हम पास करेंगे वो वर्क कर पाएगा, तो हम इन लाइन ब्लॉक पास करेंगे, और जो भी इनलाइन प्रॉपर्टी है उसे हमें ब्लॉक करना है और इनलाइन में ही रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में है और उसमें विड्थ हाइट वर्क कर रहा है, तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इनलाइन ब्लॉक वैल्यू पास करेंगे, और सारा का सारा यहाँ पे नोट पे रिटेन है, आप एक बार जरूर रीड कीजिएगा, उसके बाद आप एक प्रैक्टिकल सेशन अचीव कीजिएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा, और जो भी मैंने पढ़ाया हो आप अच्छे से समझ चुके हो। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।